हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आए हो अच्छे होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम जाएंगे जाहू, तो जल्दी से पूजा वगैरह करते हैं फिर चलते हैं जाहू की तरफ। तो नाना जी को वहाँ पे चेकअप कराना है, तो आप लोग देखिए तब तक सिनेमैटिक शॉट्स। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मंडी की तरफ, तो पापा जी जो हैं ड्राइव कर रहे हैं और पीछे हैं नाना जी। अक्षित हाय कर दे। तो अक्षित छुपा हुआ है, थोड़ा इधर आ जा। तो नाना जी भी हाय कर रहे हैं और यहाँ पे पापा जी ड्राइव कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं मंडी की तरफ, आप लोग देखिए सिनेमैटिक शॉट्स। दोस्तों हमने पापा जी और अक्षु को मंडी में ड्रॉप कर लिया है और अभी हम यहाँ पे लालचंद जी का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो लालचंद जी जो हैं आ चुके हैं। आ जाओ नमस्कार। चलो ठीक है, ये हैं लालचंद जी। आज दवाई नहीं खा दे। तो लालचंद जी पहुँच चुके हैं, अभी चलते हैं हम अपने सफर में। जाहू में अभी यहाँ पे जो है नाना जी का चेकअप कराना है, तो जल्दी से चलते हैं और नाना जी का चेकअप कराते हैं। तो दोस्तों हमने जो है नाना जी का चेकअप करा लिया है, तो डॉक्टर ने जो है इनको कुछ टैबलेट दी है खाने के लिए और कुछ इनको दो तीन जो है इंजेक्शन लगे हुए हैं। तो अभी जो है नाना जी थोड़े ठीक हैं, तो अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, आप लोग देखिए सिनेमैटिक शॉट्स। तो दोस्तों अभी हम कलखर में पहुंचने वाले हैं और अभी जो है लालचंद जी ड्राइव कर रहे हैं और नाना जी भी पीछे बैठे हुए हैं। तो अभी जो है हमें तेल वगैरह भराना है गाड़ी में, तो अभी चलते हैं आगे। और रोड भी आज जो है खुला है और मौसम भी आज बहुत अच्छा है। तो अभी हम जा रहे हैं कलखर से होके बाया नीर चौक होके जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी नाना जी की जो है MRI भी करानी है। रुके यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे कलखर के पास रुके हुए हैं और आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे जो है इतना अच्छा वाटरफॉल है। तो अभी आप लोग देखिए सिनेमैटिक शॉट और हम चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों अभी हम पंप के पास पहुंच चुके हैं, तो अभी जो है गाड़ी में तेल भरवाते हैं। तो अभी देखते हैं गाड़ी में कितना तेल आता है। तो दोस्तों अभी हम जो है यहाँ पे पेट्रोल भरवा रहे हैं और यहाँ पे हैं लालचंद जी। आप लोग देख सकते हो बाहर जो है तेल डल रहा है, आप लोग सिनेमैटिक शॉट देखिए। हाय कर दो लालचंद जी। तो दोस्तों हम कलखर से जो है निकल चुके हैं, ये रोड जो है ये रिवालसर की तरफ जाता है, तो हमें नीर चौक होके जाना पड़ेगा क्योंकि अभी नाना जी का जो है MRI कराना है। तो अभी चलते हैं नीर चौक में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं, पर JCB ने जो है रोड खोल दिए हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया है और अब ट्रक के दौरान जो है JCB ट्रक में सारा मटेरियल डाल रही है और यहाँ से जो है ये जो लैंडस्लाइड हुआ है इसको उठाया जा रहा है। और आप लोग देख सकते हो इस साइड भी जो है ट्रैक्टर में मलबा डाला हुआ है और आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा पहाड़ जो है नीचे आ चुका है। तो दोस्तों इस समय हम जो है रत्ती में पहुँच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं यह है यहाँ पे रत्ती की मार्केट। और देखो कितना अच्छा ब्रिज है यहाँ पे। तो दोस्तों आप बादल देख सकते हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं यहाँ से, इतना अच्छा व्यू हुआ है, इतनी अच्छी वादियाँ हैं और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, हम लोग भी अच्छे हैं।
पर अब हमें ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने ना ब्रेकफास्ट किया है और लंच का टाइम हो चुका है। तो ब्रेकफास्ट बोलिए या लंच बोलिए, क्योंकि एक बज रहा है, अभी हम लंच करेंगे। तो अभी चलते हैं कहीं पे अच्छा जैसा रेस्टोरेंट देखते हैं और वहाँ पे फिर हम लंच करेंगे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं नेरचौक मेडिकल कॉलेज के पास। तो अभी हम जो है मेडिकल कॉलेज में गाड़ी को पार्क करेंगे, उसके बाद नाना जी की MRI वगैरह कराएंगे। तो अभी चलते हैं मेडिकल कॉलेज में और जल्दी से गाड़ी को पार्क करते हैं। आप लोग देखिए तब तक सिनेमैटिक शॉट्स। दोस्तों ये है माया डायग्नोसिस। तो यहाँ पे चलते हैं और नाना जी की MRI वगैरह कराते हैं। तो अभी नाना जी जो है निकल रहे हैं गाड़ी से, तो उनको लेके आते हैं और MRI वगैरह कराते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, उस पर ही हम लंच वगैरह कर लेंगे। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों अभी नाना जी और लालचंद जी जो हैं MRI कराने के लिए अंदर गए हुए हैं, तो अभी थोड़ी देर में वो बाहर आएंगे, तो उसके बाद आपको मिलते हैं। तो दोस्तों नाना जी की MRI हो चुकी है, तो अभी एक घंटे बाद रिपोर्ट आएगी। तो दोस्तों अभी लंच आ चुका है, तो खाते देखते हैं कैसा बना हुआ है। तो दोस्तों अब हम मेडिकल कॉलेज के अंदर जा रहे हैं। तो अभी आपको भी थोड़ा मेडिकल कॉलेज का वॉक अराउंड कराते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा मेडिकल कॉलेज है, जो नेरचौक में मेडिकल कॉलेज है, तो उसको दिखा रहे हैं हम आप लोगों को। तो दोस्तों कितना अच्छा वेदर हुआ है और हम पहुंच चुके हैं एमरजेंसी के पास। यहीं पे उतारेंगे इनको, गाड़ी कहाँ लगाएंगे, गाड़ी आगे पार्किंग करेंगे। दोस्तों इस समय हम मेडिकल कॉलेज में हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेडिकल कॉलेज कितना बड़ा है। और यहाँ से जो है ये क्लासेस हैं मेडिकल कॉलेज की। तो आप लोग देखिए सिनेमैटिक शॉट्स, उसमें आपको जो है पूरा व्यू दिखेगा यहाँ का। तो चलो चलते हैं अभी। दोस्तों लालचंद जी लगे हुए हैं लाइन में और अभी यहाँ पे मेडिसिन ले रहे हैं नाना जी के लिए। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं चंपा नानी के पास, तो उनके पास एक मेडिसिन है आई की, तो वो लानी है। तो अभी चलते हैं उनके पास और जल्दी से मेडिसिन लेके आते हैं। तो दोस्तों हम नानी जी से मिल चुके हैं, तो नानी की दवाई ले आए हैं। तो अभी दवाई लेते हैं और चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये जो स्टाफ वाले हैं उनके रेजिडेंस हैं, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरे मामू जी और मामी जी भी रहते हैं, तो हम उनके पास गए हुए थे और वहाँ पे हमें नानी जी मिले। तो नानी जी से हमने जो है आइज़ के ड्रॉप्स लिए, तो उनके पास आइज़ की दवाई पड़ी हुई थी, तो उन्होंने ली हुई थी, तो उसको लेने के लिए हम गए थे और अभी दवाई लेके हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। दोस्तों तो आप देखो कितना अच्छा व्यू है, बदल कितने अच्छे दिख रहे हैं। और अगर आप लोगों को भी ये अच्छे लग रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और लालचंद जी अभी ड्राइव कर रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं मंडी। तो अभी मंडी क्वार्टर में हम रुकेंगे। अक्षु तो अभी एकेडमी में गया हुआ है, तो हम क्वार्टर में अक्षित का वेट करेंगे और जब अक्षित फ्री हो जाएगा तब उसको पटल ग्राउंड से हम लेके आएंगे। और आकांक्षा भी हमें मंडी में ही मिलेगी, तो जल्दी से चलते हैं मंडी और वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो दोस्तों हम नाना जी के MRI कराने गए हुए थे, तो उसके बाद हम जो है MRI के वहाँ पे डॉक्टर थे, तो उन्होंने बताया कि नाना के थोड़ा नाक में कुछ लग रहा है। तो हमने इनका फिर हम मेडिकल कॉलेज गए और वहाँ पे ENT डॉक्टर को हमने इनको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नॉर्मली होता है। तो उसके बाद उन्होंने जो है मेडिसिन के पास भेजा, मेडिसिन डॉक्टर के पास। तो जब हम मेडिसिन डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने भी चेकअप किया, तो उन्होंने बोला कि ये एक वैसे फोबिया टाइप है, पर हो सकता है BP या शुगर की वजह से हो रहा हो।
तो इससे कोई टेंशन की बात नहीं है। तो उन्होंने एक मेडिसिन लिखी है, तो वो मेडिसिन जो है कंटिन्यू करनी है। बाकी सब कुछ नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। अभी हम नेर चौक से निकल चुके हैं। तो दोस्तों आज यहाँ पे खीर का भंडारा है, तो गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और जगह जगह जो है खीर बांट रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बंदे यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं और खीर भी खा रहे हैं। खीर दोस्तों यहाँ पे खीर का भंडारा लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो गाड़ियों को रोक के खीर बांटी जा रही है। तो दोस्तों इस समय हम मंडी बाजार में पहुँच चुके हैं और आप लोग देख रहे हैं कि मंडी में कितना ट्रैफिक है। तो अभी हम शेरी मंच के पास पहुँचने वाले हैं, तो अभी चलते हैं। आप लोग देखिए सिनेमेटिक शॉट्स। फाइनली दोस्तों इस समय हम मंडी में अपने रूम पे पहुंच चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पे आधा कर घंटा रेस्ट करेंगे, तो फिर हम 6:15 बजे अक्षु को लाने पडल ग्राउंड जाएंगे और आकांक्षा को भी हमने पिक करना है बाज़ार से। तो तब तक करते हैं रेस्ट और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। दोस्तों अभी चलते हैं मुन्ना और अक्षु को पिक करने के लिए। तो अभी मैं जाऊंगा यहाँ से और बॉय स्कूल के पास मुन्ना को पिक करूंगा और वहाँ से फिर हम पडल ग्राउंड निकलेंगे। तो पडल ग्राउंड में फिर अक्षु हमें मिलेगा, तो अक्षु को भी पिक करके जल्दी से फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ से फिर नाना जी को लेके चलेंगे, क्योंकि अक्षु ने यहाँ पे अपनी किट रखनी होती है। तो अक्षु को फिर से आना पड़ेगा, तो नाना जी को तब तक यहीं पर रेस्ट करने देते हैं। तो जल्दी से चलते हैं और उनको लेके आते हैं, फिर हम घर की तरफ निकलेंगे। तो चलो जल्दी से चलते हैं। दोस्तों इस समय मैं और आकांक्षा शर्मा जो हैं अक्षित का वेट कर रहे हैं। तो अभिषेक भाई जो है हमारे लिए बर्गर लाने गए हुए हैं, तो वो बर्गर लाएंगे और तब तक हम अक्षु का यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं और पानी पूनी पी के आते हैं, क्योंकि प्यास लग रही है और अक्षु भैया को अभी थोड़ा 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो तब तक बने रहिए हमारी वीडियो पर और सिनेमेटिक शॉर्ट्स देखिए। तो दोस्तों आप लोग सामने देख रहे होंगे ये बल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज की नई बिल्डिंग बन रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें मिल चुके हैं ऋषभ शर्मा और उनके फ्रेंड्स। और ऋषभ भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। हैं? देखिए हमने तेरी बैटिंग, हुए छोटे बैटिंग कर रहा था ना। हाँ तो देखो इतने दूर से देख लेते हैं, यह ऋषभ के फ्रेंड्स, हाय कर दो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो अक्षु भाई हमें मिल चुके हैं। ये पिछका तो अभिषेक भाई को पता नहीं लगा अक्षु भाई कहाँ आ रहे हैं घूम के, डिक्की खोल दो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि आज हमें अभिषेक भाई भी मिले हैं। तो हमने स्टीयरिंग जो है अभिषेक भाई के हाथ में पकड़ा दिया है, क्योंकि हम थक गए आज गाड़ी चला चला के। हाथ में रखा था और मेरे हाथ में मैंने दे दिया आपको रहा। तो अक्षु भाई भी आ गए हैं, तो अभी चलते हैं और अभी नाना जी को पिक करना है। आप ऐसी नहीं करती? ऐसी करते हैं, तो अभी विंडो खोली हुई है। मेरे को तो कुछ आदत पड़ गई है। हाँ समझ रहे हैं हम। और आजकल तो भाई साहब फॉर्चुनर चलाते हैं, तो एसी में ही रहते हैं दिन रात। तो अभी चलते हैं और नाना जी को पिक करते हैं, फिर चलते हैं घर की तरफ। नाना जी कहाँ हैं? नाना जी हैं रूम पे बिठाए हुए। दोस्तों अभी यहाँ पे आकांक्षा शर्मा और अभिषेक भाई जो हैं गोलगप्पे खा रहे हैं, तो हम भी खा लेते हैं जल्दी से। आप लोग देखिए सिनेमैटिक शॉट्स। तो दोस्तों अभी हम खा रहे हैं आइसक्रीम। तो अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं और अभी हम खा रहे हैं देखो आइसक्रीम। तो भाई अभिषेक भाई कैसी है आइसक्रीम? भाई पूछो मत। बहुत अच्छी बहुत अच्छी है। तो आकांक्षा भी खा रही है पीछे आइसक्रीम और मतलब बहुत मजा आ रहा है खाने आज में। हमने शाम के टाइम अभी तक अभी बताएगा कि हमने क्या क्या खा लिया। और जैसे भाई साहब आप पूछो मत, आपको आपने ब्लॉग में देख लिया होगा
सबसे पहले हमने आपको बर्गर का नहीं दिखाया, हमने बर्गर खाया, उसके बाद गोलगप्पे खाए और उसके बाद आइसक्रीम की बारी आ गई है विद इन 1 आवर में। हाँ, विद इन 1 आवर। और जल्दी से आइसक्रीम खाते हैं और मिलते हैं आपको घर में, क्योंकि आरती का टाइम भी हो चुका है, तो जल्दी से चलते हैं घर में और वहाँ पे आपको मिलते हैं। चलो चलते हैं जी। तो दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।